आप अपने जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई बॉडी बिल्डिंग की बॉडी बिल्डिंग की सर जर्नी तो ऐसी थी मेरे डैड जो थे वो इंडियन एयरफोर्स में थे तो अच्छे खासे हट्टे कट्टे अपने टाइम के बॉडी बिल्डर लगा लो एथलीट लगा लो फुटबॉलर थे उसके बाद मेरे ब्रदर जो थे वो स्टेट लेवल के बॉडी बिल्डर थे मिस्टर पंजाब फाइव टाइम वो रह चुके थे देन अच्छा। मैंने थर्टीन की एज में जो है जिम स्टार्ट किया था क्योंकि डैडी ने तो कभी अलाउ नहीं किया था मेरे ब्रदर ने सपोर्ट किया तो मैंने स्टार्ट किया देन uh, मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है एक कंपटीशन भी जीता था तेरह साल की उम्र में मिस्टर गोल्डन का तो तेरह साल की एज में आपकी बॉडी अच्छी खासी बन गई थी बहुत अच्छी थी सर फिर ये जो व्हील चेयर वाला एपिसोड है ये कब हुआ आपके साथ ये पंद्रह साल की उम्र में हुआ अच्छा जो कि लोअर स्पाइनल कॉर्ड में कैंसर था वो मतलब कि बाय बर्थ ही था बट पता नहीं लग पाता था पेन रहता था छोटेपन से ही और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं आए थे तब बट जब पंद्रह साल की उम्र में जब सीवियर अटैक पड़ा फिर उन्होंने एक एम के लिए भेजा तो उसमें सारा कुछ आ गया तो बहुत ही क्रॉनिक था और किस स्टेज पे था वो एंसर? वो ऐसे था कि अगर मैं आ, सर्जरी ना करवाता तो विद इन वन वीक डेथ हो जानी थी और वो सर्जरी कराने के कितने टाइम बाद आप रिकवर हो पाए आ, सर्जरी कराने के बाद तो मैं डिप्रेशन में चला गया था तीन साल तक अच्छा जी तीन साल मैंने फिजियोथेरेपी किया तो डॉक्टर बोलते थे कि हाँ तीन महीने में ठीक हो जाओगे चार महीने में ठीक हो जाओगे और मैं उनको फॉलोअप करता था बहुत ही मेरे मतलब कि दिमाग बहुत ही बच्चों जैसा था जैसे डॉक्टर कोई बोलता है तो मान लेते हैं तो डॉक्टर ने मेरे को रियल मतलब कि जो सच्चाई थी वो नहीं बताना चाहते थे कि हाँ भाई तू कभी ठीक नहीं होगा अभी ये बात आपके पेरेंट्स को पता थी पेरेंट्स को पता थी फैमिली आपको बता नहीं पता मुझे नहीं पता थी मेरे तो ड्रीम्स थे कि यार मैं अठारह साल के बाद मैं बुलेट लूँगा मैं ऐसे करूँगा वो करूँगा बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करूँगा तो मेरे ड्रीम्स थे ऐसे तो आपके माइंड में यही चल रहा था कि शायद मैं तीन चार महीने ठीक ठीक मैंने को वापस से अपना बैक टू नॉर्मल मेरे एक दीदी थे डॉक्टर थे वहाँ पे सीएमसी uh, हॉस्पिटल में तो वहाँ पर तब आए थे डॉक्टर केसी अमेरिका से आए थे तो उन्होंने मेरे को बोला कहते दुनिया की कोई मेडिसिन कोई थेरेपी कोई फिजिकल थेरेपी तुझे नहीं ठीक कर सकती यू हैव टू स्टार्ट योर लाइफ ऑन व्हील्स मैं मतलब कि तब आपकी एज कितनी थी मैं अठारह साल का था

जब वो आया तो उसको सब डॉक्टर्स ने बोला ये क्यों रो रहा है ऐसे ऐसे करके तो वो कहता मुझे पता नहीं फिर वो मुझे ऐसे ही घुमाने ले गया तो वो कहता था यार तू तो एक दिन ओलंपिया मिस्टर ओलंपिया बनेगा तेरे आगे पीछे लोग घूमेंगे ऑटोग्राफ लेंगे सेल्फी लेंगे तो मैं मतलब कि सोचा था यार यार, यार ये बंदा पागल है ये क्या बोल रहा है मैं तो व्हील चेयर बैठा हूँ है ना तो ये बंदा ओलंपिया की बात कर रहा है मैंने देखा था कि 2018 में एटीन मिस्टर ओलंपिया जी जी में सिल्वर मेडल जीते जी सिल्वर मेडल मेडल और बेस्ट पोजर ऑफ द ईयर

इसका मतलब आपके दोस्त ने जो प्रेडिक्ट किया था आपके बारे में जी कि एक दिन ऐसा होगा कि ऐसा कुछ जी, होगा हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट वैसा ही तो देखा जाए तो आपकी सक्सेस में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है आपके जो फ्रेंड है आ, इस बात से आप आइडिया लगा सकते हो कि लाइफ में एक पॉजिटिव एनवायरमेंट कितना जरूरी होता है जब हमारे साथ में कुछ बहुत बुरा हो रहा होता है क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि अंदर से इंसान टूट जाता है आसपास में भी लोगों की जो नजरें होती है उसके अंदर हमको ऐसा दिख रहा होता है कि अरे अरे ये क्या हो गया बट उस टाइम पे अगर कोई आकर के बोले नहीं तू ये कर सकता है वो कर सकता है चाहे वो मन रखने के लिए भी बोले जी जी लेकिन वो बहुत बड़ी बात होती है अब बताइए आप लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे जो आप इनसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज गो है सर uh, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपने अपनी जर्नी लाइक बहुत कुछ फेस किया होगा उस Uh, उस ड्यूरेशन में आपने क्रिटिसिज्म भी बहुत फेस किया होगा ऐसा मुझे लगता है जी सो so अगर आपने फेस किया है तो उससे कोपअप कैसे किया आपने uh, देखा जाए तो हर एक की लाइफ में स्ट्रगल है और अभी भी स्टिल मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ अभी भी मुझे लोग ट्रोल करते हैं कुछ अच्छा करने जाओ तो भी ट्रोल करते हैं अभी मैंने जयपुर में अपना कॉम्पिटिशन करवाया था उसका नाम था आनंद आर्नोल्ड क्लासिक तो मेरा ये विजन था उस चीज़ को लेके कि जैसे आज की डेट में फर्स्ट इंडियन व्हील चेयर बॉडी बिल्डर मैं हूँ घर से जो उठ के और भी एथलीट्स आए जो व्हील चेयर पर हैं और वहाँ पर आए और आज की डेट पे उनको बड़े बड़े जो है शोज़ हैं वहाँ पर बुलाते हैं उनको स्पॉन्सरशिप भी दिया जाती हैं और आज की डेट में थर्टी बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो ऑल ओवर द इंडिया कम्पीट कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं तो ट्रोल लोग जो हैं हमेशा आपको करते हैं चाहे आप अच्छा करो चाहे बुरा करो ठीक है लोगों का काम है बोलना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उस चीज को कैसे लेते हैं आपके संघर्ष को नमन सौ सौ बार ये कहना चाह रहे थे सर कि अभी की जो सिचुएशन चल रही है लोग इस सर, सर मतलब स्ट्रगल लोग कर रहे हैं सभी अपने जीवन में स्ट्रगल करते हैं तो सर अब ऐसा होता है कि कभी डिमोटिवेट होते हैं लोग बच्चे हैं और लोग हैं जो पढ़ रहे हैं अपने अपने फील्ड में तो कुछ लोग तो है जो सर की मोटिवेशनल वीडियो देख के लाइक like मैं तो सर वो मोटिवेट हो जाते हैं और लाइफ में ठीक ठाक करते हैं लेकिन सर कुछ ऐसे लोग हैं जो सिचुएशन अभी बनी हुई है कोटा में देख लीजिए सर सर जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं तो वो सर उस सिचुएशन को कैसे ओवरकम कर पाए कहाँ कमी रह जाती है कि बच्चे ऐसे ले डिसीजन ले लेते हैं को वो अपने जीवन को ही खत्म कर देते हैं सर एक टाइम मेरा भी ऐसे ही था मैं भी कुछ ऐसे ही सोचता था पर मैंने उस नेगेटिव एनर्जी को मैंने पॉजिटिवली यूज़ किया जब हम पेन में होते हैं ना तब हमारे में इतनी ज़्यादा ताकत आ जाती है कि आपने सुना होगा कि पहाड़ को भी एक बंदे ने काट दिया था। जी। तो वो बंदा उस पेन में था उसका एक सोच थी कि उसने उस चीज़ को पूरा कंप्लीट किया तो हमको सिर्फ यही करना है कि नेगेटिव नहीं जाना हमेशा पॉजिटिव देखना मेरी जिंदगी में था कि ये चीज़ नहीं थी दाँतों में पावर नहीं है पर हाथों में तो है ना तो आज आपके सामने वो देख लो बैकग्राउंड सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर आप एक्चुअली मैं यहाँ पे मतलब कि मोटिवेट तो मैं सर वीडियो देख के भी हो जाता हूँ तो मैं यहाँ कुछ स्किल सीखने आया हूँ वो है सर मेंटलिजम का जो आप कुछ दिन से एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे उसकी मेरी फीस है डेढ़ लाख तो, तो अगर, <laughs> अगर, <laughs> अगर आप सीखना चाहते हो तो आप पैसे हम, डिपॉजिट कराओ और फिर हम, हम सर कोई दिक्कत नहीं हम सर फी मतलब पे करेंगे कोई दिक्कत नहीं तो दो डेढ़ लाख रुपए दो सर आप लाख दो तो सर आप अगर हमें हमें मतलब हमें भी सिखा दे तो क्या पता हम भी आगे चल के यूट्यूबर बने और हम भी वहाँ पे मतलब आपके साथ बैठे आपने भी कहा है सर हम सब ने माना है प्लस सर ने करके दिखाया कि आसान है सब कुछ सर आसान कुछ नहीं होता सर, सर ने कहा है और सर है आसान सर आपने सर मुमकिन भी कुछ नहीं होता आपने सर कर दिखाया जी है आसान आसान नहीं था ये ये कहना चाह रहे हैं कि आसान था नहीं और आप लोग भी गलत समझ जाते हैं जब मैं बोलता हूँ ना आसान है तो आपके माइंड में आता है सब कुछ आसान है अरे कुछ भी आसान नहीं <laughs> मतलब ये है कि सब कुछ बहुत मुश्किल है ये जिस फेस से निकल आए हैं दैट वेरी डिफिकल्ट बहुत मुश्किल था लेकिन अगर उस वक्त ये बोलते कि बहुत मुश्किल है मैं यहां से नहीं निकल पाऊंगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो एक ऐसी स्टेज आ जाती जहां पर जाकर के बोलने लग जाते मुश्किल के बाद में नामुमकिन है इम्पॉसिबल है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अगर ये उस वक्त अपने आप को बोले

तो मैं उस फेयर को कैसे खत्म करूं? आप ये सब सोचने के बजाय आप ये सोचिए कि मेरे को अपना बेस्ट करना है चाहे है। वो सक्सेसफुल हो या ना हो पर अगर आपने अपना हंड्रेड परसेंट उसको दिया है तो उसको मतलब कि सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता सर। जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं जो आज से पहले हमने नहीं किया है तो हमको डर लगता है सर। उस डर को आप थ्रिल भी कह सकते हो आपके ऊपर है आप उसको कैसे देख रहे हो आप उसको डर बोल रहे हो बट वो डर नहीं है वो एक्चुअल में थ्रिल है जैसे गाड़ी चलाना सीख रहे हैं एक तरफ से डर भी लग रहा है कि एक्सीडेंट हो जाएगा ये हो जाएगा हो जाएगा वो बट मजा भी आ रहा है धीरे धीरे जैसे जैसे हम सीख रहे हैं तो ये थ्रिल लाइफ में हमेशा रहेगा कभी भी ये मत समझना कि ये नहीं रहेगा और ये सबके अंदर होता है अगर कोई कहता है ना ये हमारे अंदर नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है आज भी जब मैं कुछ नया करता हूं देखो एक तो है मेरा अपना कंफर्ट जोन यानी जो मैं कर चुका हूं पास में उसी को रिपीट कर रहा हूं तब कुछ भी डर नहीं होता है कोई थ्रिल नहीं होता है कुछ नहीं होता है पर जैसे ही हम कुछ ऐसा करते हैं जो आज से पहले हमने नहीं किया है तो अंदर से डाउट आता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा कहीं कुछ गलत ना हो जाए ये ना हो जाए बट ये अच्छा है कुछ लोग क्या है इसको इंजॉय करते हैं तो वो कुछ नया करते रहते हैं लाइफ में दे बिकम लेजेंड इन देर फील्ड फॉर एग्जाम्पल आज ये मेरे साथ में बैठे हैं जब आप इंडिया में कॉम्पीट करते हो तो आपके लिए बहुत आसान है इंडिया में कॉम्पीट करना लेकिन जब आप ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जाते हो जैसे कि मिस्टर ओलंपिया जी जी तो वहां तक तो बहुत लोग सोचते ही नहीं है नहीं, नहीं। तो वहां तक सोच पाना और वहां पर जाकर के कॉम्पीट कर पाना और जीत के आ पाना जी। इसका मतलब कि आपके माइंड में कुछ ऐसा है कि आपको कुछ बड़ा करने में यानी जो आप पास में कर चुके हो जो सक्सेस अचीव कर चुके हो उसको आप इन्जॉय नहीं करते हो बैठ करके नहीं नहीं, नहीं। आप ये सोचते हो नेक्स्ट बड़ा टारगेट क्या है क्या करूंगा और जैसे ही हम वो सोचते हैं तो डर भी लगता है मैंने करी थी, तो मेरे अंदर एक था, अगर आपकी लैंग्वेज में बोला जाए और मेरी लैंग्वेज में बोला जाए तो एक थ्रिल था क्योंकि मैं कुछ नया कर रहा था उससे पहले अगर आप दस साल में देखोगे ना तो मैं कहीं गया ना कोई यहां पर आया लेकिन पिछले चार महीने में देखो कितने लोग यहां पर आ गए सब कुछ ही बदल गया पिछले दस साल में जो मैंने किया उस सब को छोड़ करके एक नया ट्रैक पकड़ लिया हो सकता है अगले छह महीने बाद मैं फिर कोई नया ट्रैक पकड़ लू जो मुझे खुद भी नहीं पता है जो आप कहो ये क्या हो रहा है ये क्या बदतमीजी है संदीप सर को तो हम देखते थे ये सोच करके कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है अब वो मेंटलिस्ट बन गए हैं तो आई एम नॉट अटैच टू माय पास्ट सक्सेस और फेलियर आई एम नॉट अटैच टू माय फ्यूचर सक्सेस और फेलियर आई एम अटैच टू डूइंग समथिंग न्यू क्योंकि वहीं पे थ्रिल है वही जिंदगी है समझ रहे हो <laughs> कुछ नया क्रिएट करना ही तो लाइफ है सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर लाइफ में हर बार प्रॉब्लम्स तो आती है बट उसे सॉल्व करने के लिए आदमी को थोड़ी देर के लिए सोचना पड़ता है हर एक चीज को और कई बार सर ऐसा होता है कि जब हम प्रॉब्लम को सोचते हैं उसमें एक घंटा लगता है कभी कभी बड़ी रह गई तो सर या फिर हो सकता है कि एक दिन भी लगे बट सर एक प्रॉब्लम कई बार ऐसी भी निकलती है कि वो प्रॉब्लम आने वाले कुछ दिनों के लिए या फिर सालों के लिए दस प्रॉब्लम क्रिएट करके लेके आती है यानी कि एक साल के लिए दो साल के लिए हो सकता है सर कि पूरे लाइफ के लिए भी अटकना पड़ जाए जा। ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है शादी हो गई क्या आपकी सर उससे बड़ी प्रॉब्लम कोई नहीं प्रॉब्लम जो है वो इतनी खराब लूप क्रिएट करके देती है कि उसकी वजह से हम ना लाइफ में आगे बढ़ पाते और ना उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाते और एक स्टेट में अटक जाते आपको एक बार बताऊ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको सॉल्व ना किया जा सके अगर फिर भी आप अपने माइंडसेट से उसको नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो आप किसी और का सजेशन ले सकते हैं लाइक सर जो हैं इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं सर प्रॉब्लम क्या है वो तो मतलब इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है एक ही प्रॉब्लम की वजह से कौन प्रावल्म? सी प्रॉब्लम है वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई उस लड़की को छोड़ क्यों नहीं देते सर छोड़ भी नहीं सकते <laughs> अभी तो छोड़ सकते हो शादी नहीं हुई है नहीं नहीं सर वो प्रॉब्लम नहीं है सर फिर क्या प्रॉब्लम है <laughs> सर सर आ... अब कैसे सर वो समझा नहीं, नहीं, नहीं इसीलिए सर आपको पूछ रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है या फिर आ चुकी है तो मतलब आप कह रहे हो एक प्रॉब्लम आ गई हाँ वो प्रॉब्लम एक लड़की है और उस प्रॉब्लम की वजह से दस प्रॉब्लम्स और आने वाली है यानी कि बच्चे बिना शादी के शादी के बाद

जैसे कि सर अभी मैंने आज से एक साल पहले स्टार्टअप शुरू किया है मेरा तो उसकी वजह से सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जैसे आ, तो कि अब आए ना पॉइंट पे ठीक हाँ, हाँ, है तो आपने तो आपने स्टार्टअप 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 शुरू शुरू किया किया सर सर तो उस के लिए थिंक करना पड़ता है हर एक चीज को कि कैसा क्या करना होगा आगे क्या करना होगा तो तो उस चीज को करते करते सर थोड़ा बहुत टाइम बीतता है उसकी वजह से स्टार्टअप शुरू करने के बाद जितने भी हमारे पैसे होते वो तो हमें लगाने ही पड़ते तो सर पैसे खत्म हो गए उसके बाद में तो स्टार्टअप आपने अपना किया आ, वहाँ से पैसे खत्म हो गए तो हाँ। पैसा प्रॉब्लम है ना सब पैसा प्रॉब्लम है और साथ ही में पैसा खत्म हो गया तो सर एम्प्लॉय समझ गया पैसा हाँ। खत्म हो गया वो हाँ। प्रॉब्लम है वो अकेले आपकी नहीं है यहाँ पे बहुत लोगों की और मैं इसीलिए प्रॉब्लम नहीं है सर प्रॉब्लम यह है की शुरू होती है सर ठीक है जब ये वीडियो एडिट होगी ना आजे, तो वहाँ पे सर, क्या है? सर, हाँ। लेने के लिए समय ऐसा होता है ना कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी रहती 501. है <laughs> कि उसका सलूशन ढूंढने के पहले सर दो मिनट के लिए सोचना पड़ता है कि अगर ये सलूशन गलत हो गया तो हो सकता है आगे जाके इसी प्रॉब्लम की वजह से पांच सौ दो बस भाई बस एक मिनट एक मिनट शांत अभी आपने अपनी एक प्रॉब्लम बताई मेरे भी माइंड में प्रॉब्लम प्रॉब्लम सुनो पैसा पैसा कमाने के दो तरीके हैं स्टार्टअप या फिर जॉब कर सकते हो जब पैसा कमाओगे तो पैसे की वजह से जो प्रॉब्लम है तो पैसे से सॉल्व हो जाएगी अब आप कह रहे हो उसकी वजह से और प्रॉब्लम हो गई है उन प्रॉब्लम्स के लिए कुछ एक्सपर्ट्स है जैसे कोई डॉक्टर है ये है वो है तो उनके पास जाओ उनसे जाकर के डिस्कस करो तो वो वहां से सॉल्व हो जाएगी हाँ तो सर मैं ये चाहता हूँ कि आगे जाके कोई भी ऐसी प्रॉब्लम में फसू ही ना या फिर उस लूप में ना फंसना चाहता हूँ ऐसा कभी नहीं होगा फसोगे फसूगा ही मैं फसोगी ही फंसने वालों फसने ही वालो। वाले सर उसके ये नहीं आंसर नहीं हो सब फसते हैं तो सर अभी फंसने की वजह से सर वही अटक के रहना है मतलब नहीं, नहीं 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 वहां अटक के नहीं रहना आगे बढ़ना है ना ये भी फंसे थे ना एक प्रॉब्लम में आपकी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं आई ना जितनी बड़ी इनकी लाइफ में आई थी नहीं आई सर नहीं आई ना हाँ नहीं तो ये जब फंसे उस प्रॉब्लम हाँ में निकल गए ना हाँ तो आप क्यों नहीं निकल सकते नहीं निकल तो सकता हूँ सर मैं मैं ये कह रहा हूँ कि सर टाइम <laughs> एक मिनट सर आप कुछ कहना चाहेंगे सर पानी पियेंगे थैंक यू सो मच सर यहाँ पर आने के लिए आपसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली बहुत कुछ सीखने को मिला आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच जी थैंक यू सो मच Thank <laughs> you.